डियर स्टूडेंट्स, मैं रामनिवास बुरडक आज क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ डिफरेंशिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका क्लास ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा वेटेज है, और आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ गया तो मान लीजिए आप इंटीग्रेशन चुटकियों में कर लेंगे। तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन पे फोकस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। इंटीग्रेशन तो क्या है कि एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है तो प्रति अवकलज ही समाकलन कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो आपको इंटीग्रेशन उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज है उनको लर्न करना है, उनको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज करने हैं। डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स क्या है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स का मीनिंग आपको ये समझना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आप अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष। डी बाई डी टी, इट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, और यहाँ जो फंक्शन होगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस वन। हमने अवकलन के प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला कैसे आया वो आपको बताया था, कि लॉग एक्स का फॉर्मूला कैसे आया, एक्स की पावर एन का कैसे आया, साइन एक्स का कैसे आया, ये हम क्लास इलेवंथ स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। डी बाई डी एक्स ई एक्स इक्वल ई एक्स, डी बाई डी एक्स फॉर्मूला नंबर थ्री, लॉग एक्स, ये ध्यान रखना ये ई बेस पर लॉग है, जो इसका बेस है वो ई है, वन बाई एक्स, ये ई बेस पे ही इसका फॉर्मूला वन बाई एक्स होगा, ये आपको कन्फर्म ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स ए एक्स इक्वल ए एक्स लॉग ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन फॉर्मूला है? अब आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला में बता देता हूँ। नंबर फाइव, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल कोस एक्स, डी बाई डी एक्स कोस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोट एक्स इक्वल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देखना फॉर्मूला नंबर नाइन, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल सेक एक्स टेन एक्स, फॉर्मूला नंबर टेन, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये जो फॉर्मूलाज है आपके पास में, इनमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, उनको आपको लर्न करने के लिए एक ट्रिक ध्यान रख लेना, जो सी से स्टार्ट है, साइन एक्स के बाद में कोस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा है मैंने सी ओ, उसके आगे माइनस, उस फॉर्मूले में माइनस आएगा, सी ओ वाले में माइनस, सी ओ वाले में माइनस, जो सी ओ से स्टार्ट है, इनको फॉर्मूलाज का जो कैसे आए फॉर्मूलाज वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल में कर चुके हैं, लेकिन आपको अब ये ध्यान रखना है कि इनको कैसे लर्न करें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि ये टेन फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये फॉर्मूलाज आपको तैयार है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अब देखिए, अगर जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद है उसके लिए मैं एक्सरसाइज 7.1 के पहले थ्री क्वेश्चन है 1, 2, 3 उनको सोल्व करके यहाँ बता रहा हूँ कैसे हम करेंगे डिफरेंशिएशन। एक तो सिंपल फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन का, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर सिक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या था एक्स की पावर एन का? एन एक्स एन माइनस वन, तो एन कितना है सिक्स, एक्स एन कितना है सिक्स माइनस वन, सिक्स एक्स पावर सिक्स माइनस वन फाइव, ये हमारा आंसर हो गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब हम ऐसे क्वेश्चन का करेंगे डिफरेंशिएशन जिनमें कंपोजिट फंक्शन यूज किया हुआ है, या फिर ऐसे जो क्वेश्चन है जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 7.1 आरबीएससी की, साइन एक्स स्क्वायर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि सपोज दैट वाई इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। हम कैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले ये देखिए इस फंक्शन को समझिए आप, फंक्शन साइन थीटा, ये थीटा किस गए यूज किया ना एक्स स्क्वायर, फंक्शन तो साइन थीटा है ना। तो अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद करना है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला आपको क्या था, कोस एक्स, साइन एक्स का अवकलन है वो क्या होता है कोस एक्स,
तो साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, कोस थीटा, थीटा किसके वो यूज करो अक्ष स्क्वायर। अब देखिए आप फिर से देखिए, साइन अक्ष का अवकलन होता है कोस अक्ष, साइन अक्ष स्क्वायर की बात नहीं कर रहा मैं, साइन अक्ष का कोस अक्ष, और मैं साइन थीटा की बात करूं थीटा के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी थीटा साइन थीटा, तो मेरे पास में जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो साइन थीटा का कोस थीटा हुआ, तो साइन अक्ष स्क्वायर है मेरे पास में उसका हो गया कोस अक्ष स्क्वायर। अब फिर से देखो अक्ष की जगह अक्ष तो नहीं है ना फलन में, अक्ष की जगह अक्ष नहीं है ना फंक्शन में, अगर अक्ष की जगह अक्ष नहीं है, अक्ष की जगह क्या है अक्ष स्क्वायर, तो फिर उसका फिर से अवकलन करके गुणा कर दीजिए, आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा कोस अक्ष स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर का अवकलन कितना हुआ 2x, उस 2x को इधर लिख दीजिए, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखिए अवकलन आप कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में आपको सोचना है, साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा, तो साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा अक्ष स्क्वायर है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब अक्ष की जगह अक्ष नहीं है अक्ष स्क्वायर है, तो उसका फिर से अवकलन कर दीजिए अक्ष स्क्वायर का 2x, तो अक्ष स्क्वायर का 2x, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 y equal tan 2x plus 3 then find out dy by dx। देखिए स्टूडेंट्स tan थीटा, इसको एक बार के लिए मैं थोड़ी सी देर के लिए थीटा एज्यूम करता हूं, और tan थीटा का जो मेरे पास में फॉर्मूला है d by d थीटा tan थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होता है sec square थीटा, तो यहां आप यूज कीजिए tan x का होगा sec square x, तो tan थीटा का sec square थीटा, थीटा एक बार आप सेम यूज कर लीजिए जो है वो tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, tan x sec स्क्वायर x, अब x की जगह x नहीं है ना, एक बार इसको x अज्यूम कर लीजिए, एक बार मैंने इसको x अज्यूम किया tan x sec स्क्वायर x, अब x की जगह x नहीं है ना, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए x की जगह x नहीं है, फिर से d/dx 2x + 3 का अवकलन करके मल्टीप्लाई करना है, तो sec स्क्वायर इसको सेम लिख देता हूं मैं, अब 2x का अवकलन कितना हुआ आपको पता है 2x का हुआ 2, x का 1 होता है तो 2x का कितना हो गया 2 plus 3, ये प्योर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 होता है, तो ये 2 plus 0 2 हो गया, तो आंसर हो गया 2 sec स्क्वायर 2x plus 3, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको अगर कोई डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आपको tan थीटा, तो यहां इसको जो भी है यहां पर इस फलन में थीटा की जगह उसको थीटा ही अज्यूम करना है, फिर डिफरेंशिएशन करना है, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करके आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ऐसे आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 y equal sin cos x square, अब देखिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना बेसिक फंक्शन से, अब मेरा क्वेश्चन बेसिकली कौन सा फंक्शन है मेरे पास sin थीटा, ये तो कंप्लीट है, किसकी जगह यूज किया हुआ है थीटा की जगह, डिफरेंशिएशन मुझे करना है x के रेस्पेक्ट में, dy by dx equal sin x, ये x की जगह है ना, sin x का अवकलन होता है cos x, अब x की जगह ये जो है उसको कंप्लीट ऐसे ही यूज कर दो, अब x की जगह x नहीं है तो फिर से मल्टीप्लाई करो, क्या है cos x square, देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, sin थीटा, ये थीटा है ना, थीटा की जगह आपके पास में है cos x square, sin थीटा का अवकलन होता है cos थीटा, थीटा की जगह आपको क्या यूज करना है cos x square into थीटा की जगह थीटा नहीं है ना, फिर से कर दो इसका डिफरेंशिएशन जो है उसका पूरे का कर दो फिर से, इतना तो हो चुका है इसको, तो आगे तक ऐसे लेकर के चलना है आपको cos cos x स्क्वायर, अब इसका फिर से करना है, कैसे करोगे इसका, इसका वैसे करोगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को किया था, cos x स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में करना है x के रेस्पेक्ट में, cos थीटा x स्क्वायर को फिर से एक बार x अज्यूम कर लो, cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, अब थीटा की जगह थीटा नहीं है ना, x की जगह x नहीं है ना, फिर से क्या लिख सकते हैं हम x स्क्वायर का एक बार फिर से और कर देते हैं, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा cos cos x स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई करने पर इधर आ गया, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, sin x स्क्वायर का हो गया 2x, उस 2x को मैं इधर स्टार्टिंग में लिख देता हूं, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए आप फिर से देख लीजिए इसको एक बार, y equal sin x अज्यूम कर लीजिए, पूरे को क्या अज्यूम कर लीजिए इसको x, y equal sin x का अवकलन क्या होता है cos x, x की जगह जो है वो लिख दो एक बार, फिर x की जगह x तो नहीं है ना, क्या है उसका पूरे का फिर से कर दो, आपके पास में मेथड क्या होगा y equal sin x का अवकलन क्या हुआ cos x, x की जगह इसको लिखना है, फिर x की जगह x नहीं है, क्या है x की जगह cos x square, उसका पूरे का फिर से कीजिए आप, तो पूरे का फिर से कर रहा हूं मैं cos x square का,
अब कोस एक्स स्क्वायर का पूरे का फिर से कैसे गुणा, वो यहाँ देख लीजिए, जैसे साइन एक्स स्क्वायर का किया था, कोस थीटा का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन थीटा, आप फिर से थीटा कीजिए, थीटा नहीं है ना, एक्स स्क्वायर का एक बार और कर दीजिए और ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको आप बोल सकते हैं चेन रूल, मतलब श्रृंखला नियम से आप इसका अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास में एक अल्टरनेट मेथड और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इन सब क्वेश्चंस के लिए, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेता है आपके पास में, आपको फाइनली करना तो लास्ट में ऐसे भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा आपको चेन रूल से बता देता हूँ। चेन रूल क्या है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उसको आप यू या वी ऐसे अज्यूम कर लीजिए, मैं ये जो साइन एक्स होना चाहिए था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया ना, फॉर्मूला तो मेरे पास में किसका था, साइन एक्स का कोस एक्स अवकलन था, अब यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको यू अज्यूम कर लीजिए, लेट यू इक्वल एक्स स्क्वायर, ओके, देन वाई इक्वल क्या बन गया मेरे पास में, साइन जो एक्स स्क्वायर है उसको मैंने क्या माना था, यू, तो वाई इक्वल क्या बन गया, साइन यू, ओके। अब देखिए ये जो y इक्वल साइन यू है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए u के रिस्पेक्ट में, dy वाई बाई डी यू, साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos u, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ ना, तो साइन u का क्या हो गया, cos u। अब ये जो u है इसका फिर से u इक्वल एक्स स्क्वायर है ना, तो u का आप किसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, u इक्वल एक्स स्क्वायर है, इस u का आप कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, डी यू बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ, 2x हो गया मेरे पास में। अब देखिए चेन रूल, जो चेन रूल है वो क्या बोलता है, श्रृंखला नियम, चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, चेन रूल ये बोलता है आप इसको पार्ट्स में कर लीजिए, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, फाइनली क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू की वैल्यू है कोस यू, ओके, इंटू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x। अब क्वेश्चन में u तो हमारे एज्यूम किया हुआ था ना, तो u की वैल्यू वापस रख लीजिए, u क्या था, एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो मेरा सेम आंसर आ गया जो पहले आया था, 2x कोस एक्स स्क्वायर, ये है चेन रूल। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं हो, इसके लिए आप डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देख लीजिए, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर को आप क्या एज्यूम कर लीजिए, एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स नहीं है, फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये बन गया 2x cos x स्क्वायर। तो आपको डिफरेंशिएशन में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि आपको फंक्शन में x की जगह x नहीं है, तो एक बार उसको x एज्यूम कर लीजिए, ओके, फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसके बाद x की जगह x नहीं है क्या है, जो भी फंक्शन के अंदर है x की जगह, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट, आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स।